राधे राधे सभी को। आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। होली के पहले दिन हमारे यहाँ पर नेत दादाजी की धोक लगती है, उसमें हम गुड़ के चावल बनाते हैं। आप सबके साथ भी मैं वही रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो हम घर पे बनाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे 2 गिलास चावल बना रही हूँ, उसका रेशियो आपको बता देती हूँ। 2 गिलास चावल के लिए मैंने 8 या 9 गुड़ की डलियाँ ली हैं, और आप इसको अच्छे से कूट के भिगोएंगे तो ये जल्दी भीग जाएगा। उसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है। ये देखिए, आप बासमती चावल का ही प्रयोग करिए। यहाँ पे मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और कुकर के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच घी के लिए हैं। घी से चावलों में अच्छा टेस्ट आता है, तेल का प्रयोग मत करिएगा। इसमें मैं 4 लौंग ले रही हूँ और थोड़ी सी सौंफ ले रही हूँ। सूंफ और लौंग का टेस्ट भी इसमें चावलों में बहुत अच्छा आता है। और अपने धुले हुए चावलों को हम इस घी में डाल देंगे और फुल फ्लेम के ऊपर हम इन चावलों को घी में अच्छे से रोस्ट करेंगे 2 मिनट तक चलाते हुए। ये देखिए, हमारे चावल हैं वो घी में अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम अपना गुड़ वाला पानी है वो इसमें छान के डालेंगे, क्योंकि गुड़ में थोड़ा बहुत कचरा रहता है, वो सारा अपनी छलनी में आ जाएगा। और फिर हम इनको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे। 1 गिलास तो गुड़ वाला हो गया और 3 गिलास और डाल दी है मैंने ऊपर से। ये देखिए, अब हम इनको अच्छे से मिक्स करके कुकर की लीड लगा देंगे। बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि कुकर में बनाने से उनके गुड़ के चावल नीचे चिपक जाते हैं। एक बार इस तरीके से बनाइए, आपके चावल बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। इस तरीके से मैंने देखिए 2 सीटी लगा ली हैं। हमारे चावल जो है वो पूरी तरीके से पक के तैयार हैं। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारे चावल कितने बढ़िया खुले खुले बने हैं। इसमें एक भी चावल का दाना आपस में चिपका हुआ नहीं है, ना ही आपको नीचे लगा हुआ मिलेगा। देखिए, चावल पूरी तरीके से पक के तैयार हैं। आप इनको दाल के साथ खाइए या फिर ऐसे भी अच्छे लगते हैं। इस गुड़ वाले चावल की रेसिपी को एक बार अपने घर में जरूर ट्राई करें। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।